चितावर, ये चितकबरे रंग की कड़ी छाल वाली लकड़ी होती है। साधारणतः यह नीम की सूखी पतली टहनी के समान होती है। पपड़ीदार होने के कारण लपेटी गई सी लगती है। चितावर में नाखून गड़ाने से लाल रंग की बूंदें स्वयं ही छलछला आती हैं। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के घने जंगलों में तथा तिब्बत की सीमा पर मिलती है। चितावर का वृक्ष होता है। वृक्ष में सबसे ऊपर जो टहनी होती है, केवल उसी में ये गुण होता है। जब सूख कर स्वयं गिरती है तभी ये चमत्कारी बनती है, अन्यथा ये साधारण ही रहती है। कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से लोहा कट जाता है। विश्वास किया जाता है कि ये लकड़ी कौवे के घोंसले में मिल जाती है। कुछ लोग कौवे के बच्चों को लोहे की जंजीर से बांध देते हैं। कौवा उस जंजीर को तोड़ने के लिए चितावर की लकड़ी खोज कर लाता है और अपने बच्चों को स्वतंत्र कराता है। लकड़ी वहीं छोड़ देता है। जानकार लोग इसे उठा लेते हैं और ये तंत्र साधना में सिद्धि का श्रेष्ठ माध्यम है। इस लकड़ी को अगर पानी में डाल दिया जाए तो सांप की तरह ये लहराती हुई चलना प्रारंभ कर देती है। बिरले लोगों के पास ही ऐसी लकड़ी मिलती है। जालसाज लोग नकली चितावर की लकड़ी देकर ठग लेते हैं। इनसे सावधान रहें। चितावर की लकड़ी के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है, जिससे वो पहचान नहीं पाते, इसलिए लोगों को मिलती ही नहीं है। इसका सहज खोज पाने का तरीका है नीलकंठ। जी हाँ, ये लकड़ी नीलकंठ पक्षी के घोंसले में प्रयुक्त होती है। इस लकड़ी की पहचान नीलकंठ को होती है। एक लकड़ी होती है जिसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। जब वो व्यक्ति को मिलती है तो स्वयं की रक्षा के लिए साधक को भय दिखाती है, नाग के रूप का आभास देकर। आज भी भारत में ऐसी कुछ जड़ी होती है जिनको व्यक्ति अपने पैर के नीचे रख ले तो भरी दोपहरी में भी उसे तारामंडल यानी कि आसमान में सूर्य की रोशनी में भी तारे नजर आते हैं। सुनने में तिलस्मी है, लेकिन रहस्यों से भरी ये बातें उतनी ही सत्य हैं जितना सत्य इस दुनिया में मृत्यु है। अब आपको बताते हैं चितावर की लकड़ी का प्रयोग। इस लकड़ी की विशेषता ये है कि ये कड़े से कड़े लोहे को भी आसानी से काट सकती है। सुनने में अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। किसी विशेष नक्षत्र को नीलकंठ के घोंसले का पता कीजिए और देखिए कि उसके अंदर उसके अंडे तो नहीं हैं। यदि नहीं हैं, तो उस घोंसले को ले आएं और उसे तोड़कर नदी के पानी में बहा दें। जो जड़ी चितावर की होगी वो सर्प की भांति लहराते हुए चलेगी। कुछ में तो अति तीव्र लकड़ी जो बहुत कम मिलती है, सर्प की भांति पानी की धार के विपरीत दिशा में भागने लगती है। साधक को समय नष्ट किए बिना ही उसे पकड़ लेना चाहिए। फिर कुछ पूजन के बाद इस जड़ी को साधक लोहे को काटने में प्रयोग कर सकता है।